हमें उसका एडवोकेट बनना पड़ेगा हमें प्रोपोगेट करना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा कि इस डिसीजन मेकिंग के लिए इस क्रिएटिविटी के लिए हम इस एविडेंस को क्यों यूज कर रहे हैं और शवाहद के साथ हकायक के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी क्रिटिसिज्म को मद्देनजर रखते हुए हम एडवोकेसी को वो लेकर आएंगे अबाउट द एविडेंस द सेकेंड रोल विच द लीडर नीड्स टू लुक अपॉन इज बेसिकली कि द लीडर इज गोइंग टू बी द कलेक्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन उसको लोगों से पूछना है और लोगों के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड डेटा को कलेक्ट करना है केस स्टडीज को मद्देनजर रखना है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखना है फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करना है सो so, लीडर के रोल में ये बात शामिल होगी कि ही और शी इज गोइंग टू बी द कलेक्टर एंड द प्रोवाइडर ऑफ द एविडेंस तो वो सिर्फ एडवोकेट नहीं करेगा बल्कि वो लोगों को डेटा प्रोवाइड भी करेगा जिस डेटा को मद्देनजर रखकर डिसीजन मेकिंग की जाती है द थर्ड थिंग द लीडर नीड्स टू परफॉर्म एज ए रोल इज बेसिकली दैट प्रोवाइडिंग द टाइम एंड रिसोर्सिस क्योंकि जब आप कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हो जब आप डेटा क्लेक्ट कर रहे हो तो नो no डाउट उसमें हमें वक्त भी दरकार है और उसमें हमें कुछ कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी देयर फॉर लीडर रिसोर्सिस प्रोवाइड करेगा ताकि लोग सही मानों में सही तरीके से एविडेंस कोलेक्ट कर सकें और उस एविडेंस से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशेंसी और इफेक्टिवनेस लाई जा सके सो so, उसके तीन रोल हमारे सामने वाजिया हुए ही और शी हैज टू एक्ट एज एन एडवोकेट उसको प्रोवाइडर बनना है ऑफ द कॉन्टेक्स एज वेल एज द एविडेंस और उसको रिसोर्स भी प्रोवाइड करने हैं जिन रिसोर्स को यूज करके द पीपल आर एबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अब बीइंग एन एडवोकेट फॉर द एविडेंस की जब हम जिक्र करें तो याद रखिएगा कि इंटरेक्शनिस्ट स्टाइल यूज करना होगा और इंटरेक्शनिस्ट स्टाइल से मुराद यह है कि इट इज गोइंग टू टू बी अ वे कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने फॉलोअर्स की बात को भी सुनो और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वो कम्युनिकेट करो सो so, इंटरेक्शनिस्ट होने के लिए जब हम लीडरशिप रोल की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज टू फोकस अपॉन द कम्युनिकेशन एंड इट्स ट्रांसपेरेंसी ताकि कोई बात ढकी छुपी ना हो कोई बात ऐसी ना हो कि जिसके हमारे पास मायने असल हकीकत से दूर हो जाए देयरफॉर हमारी कम्युनिकेशन टू वे और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए The second thing is, के हमारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है that should be accessible to all. वो evidence भी सबके पास मौजूद हो और उस problem के बारे में जो detail है वो भी सबके साथ कम्युनिकेटेड हो और shared हो द थर्ड थिंग बात कर रहे हैं एडवोकेसी तो कि हमारे रसियन मेकिंग शुड बी बेस्ड अपॉन रैशनैलिटी हम अपने थिंकिंग प्रोसेसेस को यूज करें हम लॉजिक और रीजनिंग पे बात करें हम फिजिकल टेंजिबल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखें सो रैशनैलिटी परस्पेक्टिव को हमने इग्नोर नहीं करना सो so दैट हम प्रॉपरली अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट कर सकें द फोर्थ थिंग जो इस हवाले से हमें सोचनी है एंड दैट इज वी हैव टू मोटिवेट अदर्स ताकि लोग इनक्रेज हों कि उस एविडेंस को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज वो कर सकें द सेकेंड थिंग इज जैसा कि हम रोल्स का जिक्र कर रहे हैं द सेकेंड थिंग इज कि उसको कलेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑफ एविडेंस भी होना है और जब हम कलेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑफ एविडेंस की बात कर करेंगे तो यह बात जहन में रखिएगा कि लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना कि एविडेंस था क्या और उस एविडेंस की रोशनी में हम किस डिसीजन को टैकल वो करना चाहते हैं द सेकेंड थिंग इज कि वो नॉलेज मैनेजमेंट को यूज करे वो पहिया दोबारा इजाद ना करे वो टेसिट एक्सपीरियंसिस को एक्सप्लिसिट तरीके से वाजिया करने की कोशिश कर सके सो नॉलेज मैनेजमेंट जैसा कि आपको मालूम होगा कि इज सुपरलेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो नॉलेज मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें क्रिएटिविटी इनोवेशन के ऊपर फोकस करना है और इस तमाम चीजों को लेकर आने के लिए लीडर डेटा कलेक्ट भी करेगा और उनको अप्रोप्रियट फॉर्मेट में अपने फॉलोअर्स तक प्रोवाइड भी करेगा द थर्ड थिंग इज कि इस सारे अमल में लीडर का रोल वो एक्टिव होगा वो एक्टिवली डाटा के कलेक्शन और एनालिसिस में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और इसके साथ साथ ऑब्वियसली लीडरशिप प्रस्पेक्टिव में उसको इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ शुड बी ग्रोइंग जिससे कि स्टेक होल्डर के जो प्रस्पेक्टिव हैं वो भी बेहतर से बेहतर हम अमल दरामद कर सकें हम उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें हम अपने फाइनेंशियल रिटर्न्स को वो बेहतर कर सकें सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टेक भी हासिल कर सकें तो ये तमाम जिम्मेदारियां लीडरशिप प्रस्पेक्टिव में काउंट वो होंगी एंड द थर्ड एस्पेक्ट जब हम रोल्स का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें हमें यह सोचना होगा कि आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ एक्शन एंड डेवलपमेंट लीडर ये आइडेंटिफाई करे कि कहां, कहां पर बेहतरी की गुंजाइश वो मौजूद है और उस बेहतरी को लाने के लिए वो टाइम और रिसोर्स प्रोवाइड करे नंबर टू वो क्रिटिकल अप्रेजल का सहारा ले ताकि चीजों को तनकीदी तौर पर जायजे में लाकर वो सही तौर पर फैसले को करने की तोफीक हासिल कर पाए थर्ड थिंग इज दैट एंड इफेक्टिवनेस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हमें इग्नोर नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन में डूइंग द थिंग्स राइट भी करना है और डूइंग द राइट थिंग्स के ऊपर भी हमें फोकस वो करना है एंडोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज के जब हम टाइम एंड रिसोर्स की बात करते हैं कि चीजों को हम सिस्टमैटिकली लेकर चले उनमें एक तरतीब हो उसमें एक सीक्वेंस हो उसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो और रैशनैलिटी इन्वॉल्व हो देर फोर जब हम रोल्स ऑफ लीडर्स इन एविडेंस बेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो देर आर सर्टन बेनिफिट दैट वी नीड टू लुक एट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यह बेहतर हो पाती है हम चीज़ों को सही तौर पर मॉनिटर कर सकते हैं हम एक्शन रिसर्च की तरफ जा सकते हैं और हम एवेल्युशन कर सकते हैं कि हमने क्या कुछ हासिल कर लिया है कहां-कहां पर क्या कमी है और उसके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड कर सकें सो so, अगर हम अपनी सारी बात को कंक्लूड करें तो ये याद रखिएगा कि एविडेंस बेस्ड लीडरशिप को जब हम मटीरियलाइज कर रहे हैं तो चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेकर चलना क्रिटिकली अप्रेस करना और लोगों को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना यह हमारे लिए बहुत जरूरी है थैंक यू